गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी फैशन स्टाइल में मना खान आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओलिविया पेनस्टिक का रिव्यू। बहुत सारी आपने वीडियोस भी देखी होंगी, इसका रिव्यूज भी आपने देखे होंगे और मेरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है इसको मैं यूज करने वाली हूँ। मैंने अभी तक बहुत सारी फाउंडेशन या फिर पेनकेक वगैरह यूज किए हैं, पेनस्टिक को फर्स्ट टाइम यूज करने वाली हूँ, इसलिए जो है मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताकि जो है जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में छोटा सा बेल आइकन आता है इसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सके। जितनी भी पेनस्टिक्स वगैरह होती हैं या फिर पैनकेक होती है वो समर्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन, फाउंडेशन जो होता है जल्दी मेल्ट हो जाता है। समर्स में हमारे फेस बहुत ज्यादा स्वेट आने की वजह से हमारे फेस पे जो है बेस जो है वो टिका नहीं रहता है। अगर आप जो है कोई पेनस्टिक यूज करते हैं तो वो बेस जो है आपके फेस पे लंबे समय तक टिका रहता है और आपके मेकअप को भी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, यानी कि आपका बेस जो होता है वो स्मूथ रहेगा और लंबे समय तक आपके फेस पे टिका रहेगा। समर्स में अगर आप कुछ अच्छा वाटरप्रूफ चाह रहे हैं, कोई अच्छा बेस मिल जाए तो आप ओलिविया पेनस्टिक की तरफ जा सकते हैं। ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। कैन सी ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है ये ओलिविया पेनस्टिक एंड फर्स्ट जो शेड नंबर है मेरा यहाँ पे 05 शेड आया है। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया था तो इसकी नेट वेट क्वांटिटी है 15 ग्राम एंड इसकी एमआरपी है 150 रुपीज है, इसकी एमआरपी रेट है। एंड ये ओलिविया पेनस्टिक आपको इस तरीके के बॉक्स में मिल जाता है। इसका शेड नंबर है 05 टच एंड ग्लो शेड है इसका। इसको मैं इसको ओपन करती हूँ तो आपको इस तरीके की पेनस्टिक मिलती है, साथ में आपको इस तरीके का ये डायरेक्शंस दी होती हैं कि इसको कैसे यूज करना है, इसको कैसे अप्लाई करना है, सब चीज़ इस पर डायरेक्शन मेंशन की गई है। बट मैं आपको इसमें भी बता देती हूँ, आपको इस तरीके के जो है आपको स्टिक मिलेगी, आपको ये इसका कैप मिल जाता है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस टाइप की स्टिक मिलेगी। स्टिक आप जब इसको रोल ऑन करेंगे, यहाँ पर रोल ऑन का ऑप्शन दिया हुआ है तो आप जब इसको रोल ऑन करेंगे तो ये ऊपर होती जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको रोल ऑन करती जाती हूँ तो आपको मैक्सिमम इतनी ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है, इसको लगभग आप अच्छे तरीके से काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी आपको देखने को मिलती है और ये स्टिक फॉर्म में है तो इसलिए आपको लंबे समय तक आपकी चलने वाली है। अकॉर्डिंग टू रेंज ये आपकी स्टिक बहुत ही अच्छी मिल रही है क्योंकि जो है 150 रुपये में आपको इतनी ज़्यादा स्टिक मिल रही है। तो इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल, जैसे नॉर्मली जो फाउंडेशन वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, प्राइमर मॉइस्चराइजर प्राइमर अप्लाई करने के बाद अपनी पेनस्टिक या फिर फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं, सेम ऐसे ही इसको भी ऐसे यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने अपनी पूरी फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है, सिर्फ लिपस्टिक मैंने अप्लाई की हुई है और फेस पे स्किन केयर जो था फेस को वॉश करने के बाद वो मैंने किया हुआ है, बस सिंपल है, इसलिए मैंने और भी कुछ फेस पे नहीं अप्लाई किया है। एंड इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ तो इसलिए जो है प्राइमर मैं जरूर अप्लाई करूंगी। प्राइमर से क्या होता है हमारे मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है और समर्स का टाइम है इसलिए जो है हमारे प्राइमर जो है हमारे बेस को रोकने में भी काफी हेल्प करता है। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हिलारी रोडा का एलटी प्राइमर जो 18 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर है, तो इसको मैं यूज करूंगी। ये मैग्नीफाइंग प्राइमर है इसलिए प्राइमर जरूर यूज करा करें, इससे आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका बेस जो है लंबे समय तक टिका रहेगा। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ये वाली पेनस्टिक ओलिविया की, इसको यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ। ये शेड थोड़ा सा डार्क है मेरी स्किन के अकॉर्डिंग बट कोई बात नहीं, ये पिंकिश टोन में है, मैं इसको ट्राई करती हूँ। नेक पे भी हमेशा अप्लाई करिए, जब भी आप जो है फेस पे अप्लाई करें तो नेक पे भी साथ साथ अप्लाई करते चलें। इसको अप्लाई करने से ये लग रहा है जो है बहुत ही ज़्यादा बटरी सॉफ्ट है इसलिए बहुत ही इजली से अप्लाई हो गई है, वरना बहुत सारी स्टिक्स जो होती है बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, उसको अप्लाई करने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको ब्लेंड करने में प्रॉब्लम होती है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अच्छे से आपकी स्किन में मेल्ट होकर आपके फेस पर सेट हो जाती है। तो आप इसको मैंने अप्लाई कर लिया, उसके बाद एक साइड को मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगी और एक साइड को ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, तो देखते हैं दोनों का कवरेज कैसा रहता है। तो फर्स्ट साइड जो है मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ, इजिली ब्लेंड आउट हो रहा है, आप देख सकते हैं एज यू कैन सी ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत ही इजिली ब्लेंड हो रहा है। यहाँ पे आप स्टिक को देख सकते हैं बहुत ही इवनली जो है फेस पे सेट हो गई है। आपको फाउंडेशन हो या फिर पेनस्टिक हो अपने जो है अच्छे से ब्लेंड करना जरूरी होता है, अगर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो पैची पड़ जाएगा आपका फाउंडेशन और आपका बेस, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आपने अच्छे से हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है। अदर साइड पे मैं ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूंगी,
यहाँ पे जो है मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया है। एज यू कैन सी आप देख सकते हैं इस साइड जो है ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया था एंड दिस साइड आपने यहाँ पे मैंने जो है ब्रश से ब्लेंड किया था। दोनों ही बहुत ज्यादा शाइनी लग रहे हैं एंड आपको देखने में कैसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर जो है अच्छे से ब्लेंड आउट हो गया है, बिल्कुल पैची नहीं लग रहा है, इसलिए ब्लेंड हुआ है। बहुत ही अच्छे से हल्के हाथों से डैम ब्यूटी स्पॉन्ज से जो है मैंने इसको ब्लेंड किया है और बहुत ही इसलिए ब्लेंड आउट हो गया है। तो इसको जो है मैं सेट कर लेती हूँ। सेट करने के लिए यहाँ पे मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट का यूज़ करी हूँ। सो यहाँ पर मैं इसको सेट करके फिर देखती हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट रहता है। इस टाइम समर्स चल रहा है तो समर्स में आपने फाउंडेशन हो या फिर पेन स्टिक आपने अच्छे से जरूर सेट करना है, लूज पड़े या कॉम्पैक्ट की हेल्प से। अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो आपके फेस पर स्वेट आएगा और जो है आपका बेस जो है खराब हो जाएगा जल्दी। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने जो है सेट कर लिया है पैनस्टिक को अच्छे से कॉम्पैक्ट की हेल्प से और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी पैची नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी केकी नहीं लग रहा है, अच्छे से आपके फेस पे सेट हो गया है। ये स्टिक जो है काफ़ी अच्छी है क्योंकि इससे जो है बहुत ईजिली ब्लेंड आउट हो गया है। यार ये स्टिक आप अप्लाई करते हैं तो भी आपको बहुत ईजिली लगता है इसको अप्लाई करने में और इसको ब्लेंड करने में भी बहुत ईजिली होता है। और प्राइमर अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छे से स्मूथली आपका ये स्टिक जो है ना वो ब्लेंड आउट हो जाती है। ब्यूटी ब्लेंडर को इधर साइड को मैंने ब्लेंड किया था, इस साइड ब्रश की हेल्प से ब्लेंड किया था। दोनों साइड के कवरेज आप देख सकते हैं, आपके सामने रिजल्ट है कि इसका कवरेज कैसा है। दोनों साइड का इवन ही कवरेज है। अगर आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, आप ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इट्स ऑप्शनल। एंड जो है दोनों का कवरेज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मजे का है। एंड अगर आप जो है समर्स के लिए कुछ अच्छा पेन स्टिक यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो है आप लोग ओलिविया के पेन स्टिक यूज कर सकते हैं। बट ये अगर आपका फाउंडेशन जो है आपका जो है आपके फेस पर टिका नहीं रहता, आपके फेस पर बहुत ज्यादा ऑयल आता है, बहुत ज्यादा स्वेट आता है, तो आप जो है ओलिविया पेन स्टिक की तरफ जा सकते हैं। मैं फाउंडेशन से ज्यादा रिकमेंड करना चाहूंगी ओलिविया पेन स्टिक को समर्स में, क्योंकि समर्स में जो होता है फेस पे स्वेट आता है, स्वेट को रोकने के लिए आप जो है कोई अच्छा प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं या फिर कोई पेन स्टिक या फिर पैनकेक या फिर आप फाउंडेशन यूज करना चाहते हैं। अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप ओलिविया पेन स्टिक की तरफ जा सकते हैं। हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी ये वाली ओलिविया पेन स्टिक। आप इसका शेड नंबर 05 है, ये मेरी स्किन टोन से मैच कर रहा है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो आप ये वाला शेड मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं, लोकल मार्केट में भी आपके मिल जाएगी, तो चेकआउट कीजिएगा। तो हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी ओलिविया की पेन स्टिक, जरूर ट्राई कीजिए। आपको अच्छा कवरेज देने के साथ साथ आपकी फेस पे लंबे समय तक टिकी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड अच्छा कवरेज देती है, हाई कवरेज है एंड आपकी स्किन टोन से अगर मैच करती है, इसकी टोटल 11 शेड्स है, स्किन टोन से जो भी मैच करे आप वो ले सकते हैं अपनी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप से कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आता है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूँ आपको मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।